बट वाई ब्लाइंड साइन विद सोल, लीव करने का रीजन क्या था भैया? मतलब देखो, गॉबलिन के ऊपर और के ऊपर कुछ भी बात करके कोई सेंस नहीं है एट दिस पॉइंट. जो होना था वो हो चुका है, और अब जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो हम बाद में ही करेंगे. अब कुछ भी नहीं कर रहे टिल अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट का वेट. कुछ भी चेंज होता है तो तुम्हें अनाउंसमेंट के थ्रू ही पता लगेगा. लीव करने का रीज़न क्या था भाई? मुझे नहीं पता. मुझे एक मैसेज आया, उसके 30 मिनट्स बाद स्टोरी आई. तो ये था मतलब मेरे साइड से. मतलब मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे और कभी भी वो भी समझ आता है कि वो ठीक है. जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है जब वो नहीं आएगी तो और की कुछ है नहीं, और का तो डिसीजन सही है. अगर उनको बेस्ट मतलब परफॉर्मिंग लाइनअप मिल रहा है फॉर सम रीजन, तो जो टीम जैसा कि तक मैंने बोला वो मीडियोकर टीम, मीडियोकर टीम परफॉर्मेंस वाली, तो ठीक है मैं एग्री करता हूँ कि हम अच्छा नहीं खेल रहे, अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, और इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही डिसीजन है. और का तो 300 टीमों के अगेंस्ट अगर कोई 33% का विन रेट रख रहा है ऑफिशियल का, तो बुरा नहीं है. मैं ये मानता हूँ कि अभी करंट सिनेरियो में जीडीआर और ब्लाइंड हमसे बेटर खेल रही है, तब जब हम मतलब खराब भी खेल रहे हैं सेम टाइम पे. वो बहुत अच्छा भी खेल रहे हैं और हम बहुत ज्यादा थ्रो करके खराब भी खेल रहे हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि हमारी टीम में वो सब कुछ है जो एक टीम को जीतने के लिए चाहिए होता है. और ऑनेस्टली जो भी होगा ना, मेरे यहाँ बोलने से कुछ मैटर नहीं करता, सब फ्यूचर पे, सब परफॉर्मेंस बोलता है. तो फ्यूचर मतलब फ्यूचर में ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि वही वाली बात है कि हम कितना हार्डवर्क करते हैं इस चीज़ के लिए जो हमें मतलब ऐसा आइडिया तो था ही, झूठ नहीं बोलूंगा, कि यहाँ पे रह के खाली एक्सपेक्टेशन जीतने वाली होती है लोगों की, और वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना कर पाना का रिजल्ट जो था वो बहुत ऑब्वियस था. प्रॉमिसिंग, जहाँ भी थोड़ा सा प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखता है. अभी सोल से मैं निकल गया, ठीक है, मान लिया सोल गॉडेल बेस्ट ऑर्ग है और मैं बेस्ट ऑर्ग में नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा? खुद बताओ क्या करूँगा? घर पे बैठ जाऊँगा और जहाँ भी जाऊँगा बोल दूंगा मैं सोल का कोच था इसलिए मैं इस ऑर्ग में नहीं जाऊँगा, उस ऑर्ग में नहीं जाऊँगा, ये करूँगा? या फिर अगर थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ कुछ मिल रहा है तो आदमी करेगा. भाई घर इससे नहीं चलता ना यार, मुझे कुछ चाहिए, मैं कहीं जाके बोल दूँ मैं सोल का कोच था, ऐसे थोड़ी चीज़ें मिल जाती हैं, बात को समझो. बट वाई ब्लाइंड साइन विद सोल? भाई मेरे को पता नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ब्लाइंड ही साइन हुई है या साइन हो गई है या साइन नहीं हुई है. इतना पता है कि मल्टीपल ऑर्ग्स का मल्टीपल ऑर्ग्स में बात चल रहा है, दैट्स ऑल. तो मैं ऐसा कहीं भी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, हाईलाइट चैनल वालों को चीज़ बता दे रहा हूँ. ये चीज़ मेंशन जरूर कर देना कि मैं ये कहीं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ कि ये लाइनअप ये ऑर्ग में जा रही है. मैं बस ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल एकदम प्रोमिनेंटली ये चीज़ सपोर्ट मतलब प्रमोट कर रहे हैं कि ये लाइनअप्स का बात चल रहा है सोल में. और गॉबलिन का वो मैंने देखा रिसेंट जो भी उसका चैट का वो था, उसका इंस्टा सब्सक्राइबर ग्रुप का, तो उससे मेरे को एक आइडिया लग गया कि उसने डाला है कि आई एम नो मोर विथ सोल, ऐसा कुछ डाला. और फिर थक भाई ने भी बोला कि वो सब चीज़ें, थक भाई ने, सिड भाई ने, सब ने आके बोला ऑब्वियसली कि जो भी लाइनअप आ रही है वो नहीं चेंजेस करना चाहती है. तो नहीं चेंजेस करने वाली भाई दो ही लाइनअप है मेरे हिसाब से जो हमसे परफॉर्मेंस में बेटर है, वो एक जीडीआर, एक है ब्लाइंड. और जीडीआर का मैंने पोस्ट देखा है, दे आर नॉट स्विचिंग एनीवेयर. तो ये एक अंदाज़ा ही है, और क्या बोलूँ मैं कि ऐसा हो रहा है. तो मतलब टूर्नामेंट के स्टार्ट से ही कैसा हुआ, मतलब मैं तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ मेरा, ठीक है? तुमने वो देखा, तुम मतलब जो जो जैसे जैसे चीज़ें आई तुमको ऐसा लगा कि ऑब्वियसली मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है, मतलब अप्रोच की प्रॉब्लम थी. पर एज सच देखा जाए तो गेम नंबर वन से लूट की प्रॉब्लम थी, लूट की वजह से रोटेशन डिले हो रहा था और रोटेशन डिले करने की वजह से हमें जगह नहीं मिल रही थी. तो मतलब ये चीज़ कनेक्टेड थी एक दूसरे से, कुछ डिसीजन गेम के अंदर, कुछ कॉल्स थोड़े ऊपर नीचे हुए, लेफ्ट राइट हुए, जो हम करते हैं वो ना करके थोड़ा सा कुछ, एक दो गेम में, चार गेम में ऐसा हुआ, कुछ गेम में सर्कल मिले और उसमें जहाँ मारना चाहिए था, स्पेशली वो प्लेन वाला गेम, और एक मीरामार का गेम था जिसमें मतलब थर्ड पार्टी हुए जीडीआर से, बट वही था कि वो तीन बंदे नॉक करके हम मर गए. तो मतलब ये सब चीज़ें प्लान नहीं होती है भाई, कि थर्ड पार्टी हो जाना किसी से, ये सब चीज़ें किसी की स्ट्रैटेजी में, किसी के क्या था यार वो वर्ड, अप्रोच में ऐसा नहीं होता है. वो गेम के अंदर के मतलब थोड़े से प्लेयर्स का मिसकम्युनिकेशन होता है जो ये सब चीज़ें क्रिएट करता है. अगर इतनी प्रॉब्लम होती मेरे में तो मैं अभी तक होता ही नहीं भाई. मैं ऑलमोस्ट 4 साल से हूँ, ठीक है, अक्षत और ओमेगा के साथ, ऑलमोस्ट 2019 से 2024